हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं करने वाली हूँ एक न्यू लॉन्च लिपस्टिक्स का, लिप स्वाचेस। एंड ये जो लिपस्टिक्स हैं आप लोग समझ गए होंगे। और उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो लिपस्टिक्स है ये मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज मैंने जो है ये मोर पंख वाले डिज़ाइन के इयररिंग पहने हैं और मैंने ग्रीन एंड लाइट ग्रीन एंड सी ग्रीन कलर का मैक्स का ये टॉप पहना है और ग्रीन ही मैंने बिंदी लगाई है। एंड ग्रीन यानी कि ग्रीन ग्रीन ही ये लिपस्टिक्स की पैकेजिंग है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे, लैक्मे 925 नेचुरल रेंज से है ये। और ये जो लिपस्टिक्स है इन्हें मैंने स्टोर से परचेज किया है, आप ऑनलाइन भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिपस्टिक्स के बारे में आपको बता देती हूँ। इस तरीके की आउटर पैकेजिंग आती है, एक एक करके मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले दिस इज द आउटर पैकेजिंग, यू कैन सी, एक सेकेंड, ओके। तो ये है लिपस्टिक की आउटर पैकेजिंग। 550 रुपीज इसका प्राइस है एंड आई थिंक सो 4.2 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी, 3.6 ग्राम इसका नेट वेट है, ओके। और ये जो लिपस्टिक है इसमें 10 शेड्स लॉन्च हुए हैं और 10 में आपको मेरे पास मिलेंगे 4 शेड्स, तो मैंने 4 ही परचेज किए हैं दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी लिपस्टिक के बारे में कि 2 ईयर इसकी शेल्फ लाइफ है एंड इससे पहले इसमें लिपस्टिक्स जो है वो आ चुकी हैं बट इस तरीके की पैकेजिंग की नहीं आई है। ये बिल्कुल दिखने में कुछ कुछ प्राइमो मैट जैसी लग रही है, जैसे कि लैक्मे 925 प्राइमो मैट लिपस्टिक्स आई थी ना, बिल्कुल उसी तरीके की। बट ये लिपस्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लाइक 925 रेंज की। और अब मैं आपको एक एक करके शेड्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले शेड ले लेते हैं, कोई भी रैंडम शेड में ले लेती हूँ। तो मेरे हाथ में आया है ब्लश पिंक, NP7 शेड नंबर है। एंड ये जो लिपस्टिक का शेड है दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, और इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ और इसके बारे में भी बता देती हूँ। सो लैक्मे 925 नेचुरल मैट लिपस्टिक, ट्राई लैक्मे 925 नेचुरल मैट लिपस्टिक फॉर अ सिटी ब्राइट लुक एवरी डे। द इंटेंस कलर पिगमेंट ग्लाइड ऑन स्मूथली टू गिव अ लॉन्ग लास्टिंग मैट फिनिश इन जस्ट वन स्ट्रोक, ओके। अभी हम देखेंगे। इन्फ्यूज्ड विद द गुडनेस ऑफ एलोवेरा, दिस लिपस्टिक कीप्स योर लिप्स सिटी ब्राइट वाइल प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सिटी पोल्यूशन। बी सिटी रेडी, सिटी ब्राइट नेचुरली, प्लीज टाइटली कैप द पैक आफ्टर एवरी यूज। या दैट्स ट्रू। सो ये जो ब्लश पिंक है, दिस इज द लिपस्टिक एक्चुअली, और ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत पिंक शेड है ये। और ये जो लिपस्टिक है ये एवरी इंडियन स्किन टोन पे अच्छा लगेगा, लाइक ये वाला पिंक। और अब मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। उससे पहले मैं अपने लिप से हल्का सा जो मैंने वैसलीन लगाई थी उसे हटा देती हूँ। तो अब मैंने रिमूव कर दिया है वैसलीन को और अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। और ओ ये ना लिप्स की फाइन लाइन को भी भर रहा है। सो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर प्राइमर की क्वालिटीज भी हैं। इट्स वेरी नाइस। सी दिस इज द शेड। और आज मैं थोड़ा सा दूर बैठी हूँ कैमरे से, इतना दूर क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं कि बहुत पास बैठने से उनको समझ नहीं आता इस वजह से। तो ये आप देख सकते हैं ये शेड बहुत अच्छा, और मैं ना हैंड स्वेच भी दिखाती हूँ इसका। बुलेट लिपस्टिक को हमेशा थोड़ा सा कम ओपन करें दोस्तों। ईजीली इट्स वेरी पिगमेंटेड, हाईली पिगमेंटेड। और टू स्वाइप डीप पिंक हो गया है। तो आई थिंक ये इस रेंज का सबसे डार्क पिंक शेड है एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली। और इसमें जो टोटल 10 शेड्स आए हैं ना दोस्तों, वो मैं जरा आपको बता देती हूँ। तो मेरे हाथ में इस वक्त है ब्लश पिंक,
गॉर्जियस पिंक है ये, बहुत खूबसूरत। और इसमें है रोज वेलवेट, पिंक वेलवेट, मेजेंटा मिंक्स एंड फ्लेमिंग रेड, सामन पिंक, कोरल ब्लिस, न्यूड पिंक, शुगर प्लम एंड हनी लव। सो ये टोटल 10 शेड्स हैं। और दैट इज ट्रू कि इसके अंदर एलोवेरा है, ये ऑल डे स्टे करती है। ऑल डे मीन्स 7 से 8 घंटे रहती है ये, 9 to 5 रेंज की लिपस्टिक है वैसे भी। और एक चीज और मैं बताऊंगी, इट्स लॉन्ग लास्टिंग, मैट फिनिश देती है लेकिन लिप्स मॉइस्चराइज भी है साथ में। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसफर नहीं होती, ये ट्रांसफर होती है दोस्तों, और अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी। एंड इसमें अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से आप यू नो शेड्स ले सकते हैं, जैसे कि मुझे थोड़े से लाइट ब्यूटीफुल ब्राइट सॉफ्ट कोरल या पेस्टल पिंक्स इस तरीके के शेड पसंद है, मुझे चॉकलेट डार्क या ब्राउन या फिर मोव शेड एंड मरून शेड बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरे ऊपर नहीं अच्छे लगते हैं, सो मैं नहीं लेती हूँ इस वजह से। और ये आपने देखा हाथ पर किस तरीके से लग रहा है शेड, ये देख लीजिए जरा पास से। तो ये है लिपस्टिक और ये इसका फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, एंड बुलेट भी मैं आपको पास से दिखाऊंगी दोस्तों, ठीक है? तो अच्छे से देख लीजिए। और लिप्स पे मैंने बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं किया, एक सिंगल या डबल कोट ही अप्लाई किया है। तो चलिए इसको एक बार टचअप कर लेती हूं मैं। इस लिपस्टिक को ना ऐसे भी आप करोगे तो भी ये मतलब मैसी नहीं होगी और लिप्स पे चैप्ड नहीं लगेगी, विच इज वेरी गुड। सो इसके लिए मैं बोलूंगी कि इट्स वेरी नाइस प्रोडक्ट। और आप देख लीजिए अच्छी खासी ट्रांसफर हो रही है, मतलब पूरे लिप्स बन गए यहाँ पे तो, है ना? लेकिन कलर बरकरार है, बट उतना निकल गया है तो उतना पिगमेंटेशन नहीं है लिप्स पे। दो बार, तीन बार, चार बार, चेक करते हैं, पांच बार, छः, सात, मतलब जितनी बार इसमें कुछ बाकी रह जाएगा लिप्स पे वो ट्रांसफर होगी, ठीक है? और इसमें ना क्रीज में ये भर गई है या तो ये देखिए यहां भी आ रही है। सो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो, इट्स वेरी नाइस बट बहुत ट्रांसफर होती है ये, तो आपको थोड़ा सा सही से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और विंटर्स के लिए अच्छी है, लाइक ड्राई लिप्स के लिए बढ़िया है क्योंकि मॉइस्चराइज रखेगी, बट अगर आप बार 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 यू नो कुछ खा रहे हो या ट्रांसफर हो रही है ये उसके बाद भी ना, ये बहुत ही अच्छे से एक सॉफ्ट सा टिंटेड शेड छोड़ेगी अपने लिप्स पर आपके, तो उससे आपके लिप्स बहुत वैसे नहीं लगेंगे कि मतलब लिप कलर लगाया था तो उड़ ही गया है, रुक रहा है तभी भी। और ये देखिए हाथ की कंडीशन क्या हो गई है, ठीक है ना? सो बट या आप इसको मेरा ये सजेशन है पर्सनली कि जब आप ये लिपस्टिक यूज करो ना तो इस लिपस्टिक को आप उस तरीके से यूज करिएगा टिश्यू पेपर लगा करके। और मैं ये वीडियो डिटेल में इसलिए बनाना चाहती हूँ बिकॉज मुझे पता है लोग 9 to 5 की लिपस्टिक है लेना चाहेंगे, तो आप बिल्कुल डिटेल में देख लीजिए उसके बाद परचेस करिएगा दोस्तों। और मेरे पास किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बताऊंगी क्योंकि ये मैंने अपने पैसे से परचेज की है। सो नेक्स्ट शेड की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है दूसरा शेड एंड दिस इज द शेड फ्लेमिंग रेड। दिस इज एक्चुअली नॉट अ ब्राइट रेड बट एक्चुअली दिस इज डार्केस्ट रेड कलर, लाइक इसमें ना थोड़ा सा मरून का मिक्सचर है और इट्स नॉट टू बोल्ड रेड बट या इट्स रेड। तो आप ये बुलेट देख सकते हो, ठीक है? अभी आप समझ गए होगे इसको देख करके। तो लिप्स पे बुलेट आपको दिखेगा कि
हो सकता है थोड़ा सा कम रेड हो, बट लिप्स पे थोड़ा रेड रेड आएगा। और अभी मैं आपको हाथ पे दिखाने वाली हूँ दोस्तों, और लिपस्टिक की बुलेट जो है ना, इट्स वेरी जेंटल, तो इसको आप कोशिश करिए कि पूरा ओपन ना करें, बस इतना ही ओपन करें अप्लाई करते समय, वरना ये टूट सकती है और आपके 550 जो है वो खराब हो सकते हैं, वेस्ट। सो दिस इज द शेड, वन स्वाइप है ये। ये है टू, सी द डार्कनेस, और आप ये कलर देख सकते हो, इट्स वेरी नाइस। एक्चुअली 925 की मोस्टली सारी लिपस्टिक इतनी गॉर्जियस होती हैं, प्राइस वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, तो ये आपको एक्चुअली दिख रहा होगा। देखिए मेरे लिप्स पे कैसे ब्राइट रेड लग रहा है ना, एक टोन ब्राइट लग रहा है, और लिपस्टिक की बुलेट आप सामने ही देख सकते हो कितनी थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही है, लाइक मरून या फिर रस्टिक मिक्स कह सकते हैं इसको। तो मैं किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहती, उस वजह से मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में बता रही हूँ, और ये एक्सक्लूसिवली न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है दोस्तों। एंड सो ये देखा आपने दो कलर, और मैंने अभी ट्रांसफ़र तो आपको दिखाया ही था, अभी मेरा हाथ पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है मैंने, तो ये भी ट्रांसफ़र होगा। बट हाँ, आप ना टिश्यू पेपर लेकर के उसको सेट कर सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि इसको आप किस तरीके से यूज़ करें। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट शेड, और ये जो शेड है ना रेड वाला, दिस इज़ फ्लेमिंग रेड, इसका नंबर है NR1। ओके, और ये देखिए मैंने रिमूव कर लिया, लेकिन थोड़ा सा लिप कलर बाकी है, तो मैंने इसको टिश्यू से रिमूव कर रही हूँ। तो ये ना दोस्तों रिमूव भी इजीली हो जा रही है, मतलब ऐसा लिप्स में कुछ भर नहीं रहा है। तो ये देख सकते हैं, दिस इज द गॉर्जियस शेड एक्चुअली, और इसका नाम भी बहुत प्रिटी है, दिस इज NP10 सामन पिंक, एंड स्पेलिंग में बता देती हूँ, SALMON। और ये आप जरा इसका ना बुलेट देखिए पहले, दिस इज वेरी प्रिटी एक्चुअली। और लिप्स पे जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, लिप्स पे ये एक टोन डार्क ही आ रही है, दिख रही है। सो दिस इज द बुलेट एक्चुअली, दिस इज द लिपस्टिक, एंड दिस इज द टोटल बुलेट एक्चुअली, दिस इज द टोटल लिपस्टिक। और अब आप समझ गए होंगे, अब मैं आपको ना हैंड स्वाश दिखाती हूँ इसका, और मैं आपको सजेस्ट भी करूँगी मेरे फेवरेट शेड एक्चुअली, नॉट एनी वंस। ये है वन स्वाइप, एंड दिस इज टू, दिस इज वेरी नाइस एक्चुअली, और ये बहुत प्रिटी शेड है रोजाना के लिए, तो ये बहुत प्रिटी है। और पूरे के पूरे 10 शेड जो है ना, वो ऐसा कोई शेड नहीं है जो इंडियन स्किन पे ना जाए, और बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड लाइट वेट है। एक्चुअली प्राइमर मैट लिपस्टिक और इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें क्या है कि ये थोड़ी ज़्यादा लाइट वेट है उससे, और ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, और आप लिप्स का जो टेक्सचर है उसे देख रहे होंगे। लेकिन मेरी एक सजेशन है आपको, जब भी आप लिपस्टिक अप्लाई करो ना, तो जो लिप स्क्रब होता है उसको ज़रूर अप्लाई करो, नहाते समय फेस वॉश के टाइम पे आप लिप स्क्रब ज़रूर करिए रोज़ाना, या कहीं जा रहे हो तो अच्छी लिपस्टिक लगाने से पहले लिप स्क्रब करिए, जिससे कि आपके लिप्स पे जो अगर स्किन है ड्राई चैप्ड वो हट जाए, तब आप लिपस्टिक का लुक देखोगे वो बिल्कुल इसी तरीके का आएगा और बहुत बढ़िया लगेगा। तो अब मैं लास्ट वाला शेड अप्लाई कर लेती हूँ, जो मैंने चौथा शेड लिया है, एंड दिस इज मोस्ट मोस्ट फेवरेट शेड इन दिस रेंज ऑफ माइन, एंड ये है NP8 न्यूड पिंक, और मैं इसे अभी अप्लाई कर लेती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने अप्लाई कर लिया है, आपको लग रहा है कि मैंने वही शेड लगाया है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना, बट उससे थोड़ा सा लाइट न्यूड है, एंड उससे थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत शेड है ये। और ये ऐसा कोई टीनेजर नहीं है जिस पे ये अच्छा नहीं लगेगा, लाइक 17-18 अगर आपकी एज है, या 16, और आपको एक अच्छे से शेड की लिपस्टिक चाहिए, और उस लिपस्टिक को आपको बस ऐसे डैब 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 करके और फिंगर से अगर अप्लाई करना है, देन दिस इज़ फॉर यू। एंड दिस इज़ द शेड न्यूड पिंक NP8, एंड इट्स वेरी सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये जो शेड है सामन पिंक के साथ में,
सो एक सेकेंड, दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली, यू कैन सी। और एक और बार, अब आप देख सकते हो, सबको मैंने दो दो बार स्वैच किया है, और आप इसमें ना डिफरेंस देख सकते हैं कलर में, बिल्कुल साफ साफ। लेकिन अगर आप बुलेट देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज मैं भी वहां पे हो गई थी, लेकिन फिर मुझे हैंड स्वैचेस मैंने देखे। हालांकि मैंने जब लिपस्टिक वहां परचेज की थी काउंटर पे, तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी और हो गई कि जब भी आप फर्स्ट डे न्यू लॉन्च लेने जाओ ना, तो उनके पास टेस्टर ही नहीं होते हैं, तो वो आपको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा झटका हो जाता है कि शेड आप देख नहीं सकते हो, स्वैचेस आप देख नहीं सकते हो, बस आप देख सकते हो उनको कलर को अपनी आंखों से, और बस परचेज करने होते हैं। तो ये आप देखिए जरा कितना कम डिफरेंस है ना। सो दिस इज सावन पिंक एंड दिस इज सॉफ्ट न्यूड, आई थिंक सो, यस न्यूड पिंक, दिस इज न्यूड पिंक। और इसको मैं बोलूंगी, अगर आपको पूरी रेंज में अगर सबसे पहले कोई कलर ट्राई करना है, देन गो फॉर न्यूड पिंक। एक कलर मंगाइए, अगर आपको टेक्सचर अच्छा लगता है तो आप अगली बार कोई दूसरी लिपस्टिक ले लीजिए या दूसरा शेड ले लीजिए, बिकॉज डार्क कलर्स तो ऑलमोस्ट कुछ कुछ ब्रांड्स के सेम हो जाते हैं, लेकिन आप ये लिप्स पे इसका एप्लीकेशन देख लीजिए और समझ लीजिए कि ये कितना प्रिटी लग रहा है। और ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही शेड सजेस्ट करूंगी कि पहले अगर आपको ट्राई करना है, देन ट्राई दिस ब्यूटिफुल शेड NP8 न्यूड पिंक। और ये शेड आई थिंक सो इससे पहले एब्सोल्यूट रेंज में आता था, बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले लैक में एब्सोल्यूट रेंज आती थी ग्रे कलर की लिपस्टिक्स में, पैकेजिंग में। सो उसमें ना ये डिसकंटिन्यू हो गया था, एंड फाइनली ये शेड वापस से आ गया है। इट्स नाइस। और इसको आप 2 कोट, 3 कोट, 4 कोट, इनफैक्ट 5 कोट इसके आप अप्लाई कर लोगे, तब भी ये बिल्कुल हैवी नहीं लग रही है लिप्स पे। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जो रिव्यू है, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है, अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और ये आप चारों शेड देख सकते हैं, इसकी स्टे इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, जैसे कि मॉइस्चराइजेशन बहुत बढ़िया है, फिनिश इसकी मैट है, स्टे करती है 9 to 5, वही 8 से 12 घंटे स्टे करती है, यानी कि आप इसे पार्टी में भी लगा सकते हो, बट एवरी डे के लिए, डे टाइम के लिए बहुत अच्छी है। मेरी सजेशन पहला शेड जो है वो है न्यूड पिंक NP8। एंड बात करूँ स्मज होने की, तो अच्छे से मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से स्मज होती है या नहीं। अब मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है, इसी वाली लिपस्टिक को अगर आप इसमें से कोई शेड परचेज करते हो, तो सबसे पहले आप ले लीजिए इस तरीके से कोई भी फेस टिश्यू, एंड इस टिश्यू को लेकर के, और ये बहुत ही पुराना ट्रिक है लेकिन मैं फिर भी बता रही हूं, सी ये बिल्कुल वेलवेट मैट टेक्सचर में चेंज हो गई है और एक्सेस प्रोडक्ट यहाँ आ गया है, एंड ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो गई है। और अगर आपको एक्सट्रीम लॉन्ग लास्टिंग बनानी है, तो इसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया भी है, मैट लिपस्टिक को, ग्लॉसी लिपस्टिक को मैट कैसे बनाए, वो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। बट ये थोड़ी देर पहले आपको ग्लॉसी ग्लॉसी मैट लग रही थी, ग्लॉसी मैट मतलब थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग लग रही थी, बट अभी आपको बिल्कुल वेलवेट मैट लग रही होगी। और मैं आपको दिखाऊंगी एक बार टिश्यू पेपर यूज करने पे ही ये कितनी ज्यादा स्टे इसका बढ़ गया है, सी ये बिल्कुल बहुत ही कम ट्रांसफर हुई है, और लिप्स पे एज इट इज कलर बरकरार है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक किस प्रूफ लिपस्टिक जैसा लुक आ रहा है, लेकिन लिप्स बिल्कुल ड्राई नहीं लग रहे हैं, हैवी नहीं लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यदि अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल रारा, एंड आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और ये चारों शेड्स में से सबसे पहले मेरी सजेशन बार बार आपको वही खूबसूरत सा न्यूड पिंक जो शेड है इसी के लिए है। तो थैंक यू दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेज कर सकते हैं। बाय बाय। और हाँ, एब्सोल्यूट रेंज की जो मैट रेवोल्यूशन लिपस्टिक्स के लिप स्वैचेस मैंने किए हैं वो देखना मत भूलिएगा। और ये लिपस्टिक्स, ये जो इयररिंग है, ये
आई थिंक सो ये बैंगगुड से आए थे या न्यूचिक से, तो आप हॉल वीडियो में चेक कर सकते हैं। और ये कंगन है, दिस इज फ्रॉम बोयला, दिस इज फ्रॉम यू बेला, तो जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। बाय।